अच्छा, मैं स्टार्टिंग में ज़रा जो बहावलपुर का सबसे इम्पोर्टेंट केस है उससे हम बात स्टार्ट करते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में केस आया, उस केस की कुछ डिटेल्स जो इस वक्त के हमारे पास इन्फॉर्मेशन वही है जो कि सोशल मीडिया पे है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उस तरह नहीं उठा रहा जितना सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है। एंड सोशल मीडिया पे जब भी कोई खबर आती है तो आपको ये देखना पड़ता है कि दोनों साइड्स को सुन लें, जो लोग जितने भी फरीक हैं उनकी सारों की बात सुने और कभी भी रैश फैसला ना करें, बल्कि बड़े मुतदल तरीके से आपको हर चीज़ को लेना पड़ता है और जब तक आपके पास एविडेंस ना आ जाए। मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये किया कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से रابطہ किया, उसके अलावा जो लोग कुछ बहावलपुर में रहते हैं उनसे रابطہ किया और उनसे ऑन ग्राउंड सिचुएशन का पता लगाया कि भाई आपको क्या लग रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे तक पहुंचे, कुछ FIRs की जो थी और जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पहुंची, तो उसकी बेसिस के ऊपर लग ये रहा है। एंड बाकी तो ये है कि जब इसको केस को ट्राई किया जाएगा तो पता चलेगा कि हुआ क्या था। लग ये रहा है कि एक इसमें मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, कोई एक्टिंग मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, सर्विंग मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चों के बारे में बात की जा रही है। सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि अभी दैट स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो कहा यह जाता है कि पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जिसके पास से कुछ नाजेबा किस्म का कॉन्टेंट बरामद हुआ इन फॉर्म ऑफ वीडियो, और उसके पास कुछ ड्रग्स वगैरह भी थे। वहाँ से ये सारा डब्बा जो है वो खुलता है, पेंडोरास बॉक्स खुलता है, एक बंदे से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा, और इन शॉर्ट ये हुआ कि कुछ बड़े सीनियर जो एहलकार हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ख़ासतौर पे जो आपके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं और कुछ जो आपके वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उसके अलावा जो कुछ आपके ट्रेजरर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका जिक्र आया कि वो लोग जो हैं एक रिंग बना हुआ था जो कि मुलव्वस था बहुत ही नाजेबा किस्म की हरकतों में। वो हरकतें क्या थी, वो ये थी कि कहा यह जाता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जगह जगह पर एक तो CCTV कैमराज हैं, सर्वेलेंस कैमराज हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी अपॉइंटेड हैं बाय द यूनिवर्सिटी जो कि जनरली यूनिवर्सिटी को सर्वेल कर रहे होते हैं, वो सीक्रेट कह लो के सर्वेलेंस वाले लोग होते हैं। और होता ये था कि ये जो इजाज़ साहब की इनका जिक्र किया जाता है, मेजर इजाज़ रिटायर्ड जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज थे, इन्होंने बेसिकली कुछ लोगों को अपॉइंट किया था कि आपने ना अगर आपको लगता है कैंपस पे कोई नाजेबा हरकत हो रही है, फॉर एग्जांपल वो लड़के लड़कियां ऑफन किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं या किसी एक जगह पर या दूसरी जगह पर, तो आपने ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है अगर वो कोई नशा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट वगैरह पी रहे हैं या कोई और इससे ऊपर का नशा कर रहे हैं, तो आपने वीडियो बना के मुझ तक पहुँचा देनी है। तो बेस्ड अपॉन CCTV फुटेज एंड अदर ये डेटा इनके पास आता था, तो बजाय कि इस डेटा को वो स्टूडेंट अफेयर्स में लेके जाएं कि भाई ये एक मसला बन गया है, उन्होंने खुद से कार्रवाई डाल के स्टूडेंट्स को बुलाते, ख़ासतौर पे लड़की को बुलाते और कहते कि तुम्हारी ये फुटेज बरामद हो गई है, तुम फलां लड़के के साथ थी, तुमने हाथ में नशा था, ये था वो था, जो कुछ भी था ये हमने पकड़ लिया, अब आप जो है बराए मेहरबानी हमें कुछ कंटेंट शेयर करें वरना आपके अम्मी अबू को बुला लेंगे। तो ये होता था ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, लाइक फॉर एग्जांपल पहले दिन बुलाया, फिर अगले दिन बुला के एक रिटर्न उनको वो दे दिया कि जी आप हमने ऑफिशियल नोटिस ले लिया आपका और आपकी ये फलां फलां चीज़ बरामद हो गई है। तीसरी चौथी दफ़ा फिर कहा चलें ये मामला तो अब बहुत बढ़ गया है और अब इसको ठप करने का तरीका ये है कि बस आप फिर हमारे साथ थ्रू हो जाएं, और फिर ये कि जी कोई हमारी पार्टी हो रही है उसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे उसमें आपने जाना है, तो ये आपके लिए अब एक रिक्वायरमेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात आगे लीक ना हो। अब लड़कियाँ जो हैं आउट ऑफ प्रेशर आके, वो ज़्यादातर में से हॉस्टलाइट्स थी, प्रेशर में आके कि जी माँ बाप को पता लग गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम फिर इसके साथ कंप्लाई कर लेते हैं। तो एक तो ये स्ट्रीम है जो कि इस तरह से लड़कियां एक्सप्लॉइट हुई। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो स्ट्रीम है वो ये है कि लड़कियां, वो लड़कियां जो अपना CGPA इम्प्रूव करने के लिए, मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, नंबर लेने के लिए मुख्तलिफ टीचरों ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि भाई अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे लेकिन उसके लिए ये फेवर्स हैं, तो उन्होंने अपना कॉन्टेंट उनके साथ शेयर किया, उसके कुछ स्क्रीन शॉट्स वगैरह भी हम तक पहुँचे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दिस, ये सारा मामला हो गया, बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था जी 5,000 से ज़ायद नाजेबा तस्वीर और पिक्चर्स और वीडियोस बरामद हुई, कुछ में कहा 7,000 तस्वीर, नंबर मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें मुबालगा हो सकता है इसमें एग्जैजरेशन हो, वो तो जब पता चलेगा तो पता चलेगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि दिस हैपेंड, ये तो कंफर्म बात है दिस हैपेंड, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा वाकया पेश आया या नहीं आया, ये तो हुआ है। लोकल्स जो ऑन ग्राउंड हैं, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, वो सारे बता रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन हाँ नंबर्स में ऊँच नीच हो सकती है। प्रॉब्लम अब ये है कि आखिर ये जो सिस्टम है पूरा, मतलब मैं इस वक्त आपके सामने जो प्रॉब्लम रख रहा हूँ ये है कि ये इतना बड़ा मेस है कि जिसको मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस सिरे से हम इसको स्टार्ट करें, फ्रॉम द पॉइंट के बच्चियों को एक्सप्लॉइट करना, यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ जाती हैं तालीम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, माँ बाप उनको बड़े
पैसे लगा के खर्च करके बड़ा हिम्मत करके वहाँ भेजते हैं कि जी हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, एजुकेशन सीख करने जा रही है, हॉस्टल में रहेगी, नाम रोशन करेगी। वहाँ जाके दरिंदा सिफत इंसान जो हैं वो उनको एडवांटेज लेते हैं। अच्छा, फिर वो लड़का लड़की का जो एक नॉर्मल सा अफेयर चलता है यूनिवर्सिटियों के अंदर, ये एक और सवाल है कि भाई ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको आप क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए लड़कियों की। अच्छा, ये इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि तकरीबन अभी कोई 2-3 हफ्ते पहले वहाँ पे एक प्रॉपर डांस पार्टी टाइप हुई कल्चरल फेस्टिवल के नाम पे, और उसमें भी यही मतलब नशा भी चला, नाच गाना भी हुआ। अब अगेन वहाँ पे भी ना लड़कियाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये फलां थी, ये फलां थी, उनको फिर ब्लैकमेल करना कि तुम्हारी वीडियोज़ भी आ गई हैं, CCTV पे भी आ गई हैं, ये भी हो गया। तो ये एक सारा एक रिंग है जो कि वहाँ पे बच्चियों को एक्सप्लॉयट करना, बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा बच्चे भी एक्सप्लॉयट होते हैं। नंबर्स जब भी ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि मीडिया में जो भी खबर आती है उसकी तस्दीक करना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसी न्यूज़ आती हैं जिनमें नंबर्स जो हैं ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन ये जहाँ तक वाकये का ताल्लुक है, मैं ये भी समझता हूँ कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ा कॉमनली हो रही हैं, इंक्लूडिंग ड्रग्स जी, आपकी ये जो अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप्स हैं और इवन फिज़िकल रिलेशनशिप्स, और फिर वीडियोज़ का बनना, वीडियोज़ का लीक होना और उसकी बेसिस पे ब्लैकमेल किया जाना, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, कहने का मकसद यह है। दूसरी तरफ मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि हम जो एक चीज़ का क्लाइमैक्स होता है बुराई का, उस के बारे में बात करते हैं, और जब क्लाइमैक्स तक चीज़ पहुंचती है तो हमारे कान खड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जो है बजाते खुद कि गाड़ी जब लग जाती है और वो डैमेज होता है, उसके बारे में हम सब जो है वो गमजदा होते हैं और बात करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि गाड़ी जो है वो उसमें ब्रेक फ्लूइड नहीं था, उसके ब्रेक पैड्स जो हैं वो वियर आउट हो चुके थे, ठीक है, और उसकी डिस्क ख़राब थी, उसका कोई सिस्टम नहीं था कि जिससे वो शायद स्टीयर हो सके, एक्सीडेंट को बचा सके। ये सारी चीज़ें जानते बूझते हुए हमने इग्नोर की, ठीक है, और एक्सीडेंट जो कि फिर इनेविटेबल था उसका हमने इंतज़ार किया, और जब एक्सीडेंट हुआ तो हमने शोर मचाया। बात यह है कि फ्री मिक्सिंग जो है वो इस्लाम में उसका तो वो तो अलाउड ही नहीं है ना। जो हमने परमिसिबिलिटीज़ हैं या जो इम्परमिसिबिलिटीज़ हैं इस्लाम में उसका हमने ख्याल रखा ही नहीं है। मखलूत तालीम भी आ जाती है इसमें, केस में हम इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन ये जो कुछ फैक्टर्स हैं मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं इस एतबार से कि जहाँ पे भी आपने आग और पानी, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि फायर बहुत जल्दी कैच करती है, चीज़ दो ऐसी चीज़ें, उनको अगर आपने इकट्ठे रख दिए और आप ये समझ रहे हैं कि वो फिर डैमेज ना हो, तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं, समझने की बात तो ये है।